आप सभी को जानकारी मिला होगा कि विनेश फोगाट जो है डिसक्वालीफाई हो गया। तो भारत में सभी तरफ चैनलों को देखा और समझा थोड़ा सा, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि जो चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ जानकारी चाहिए, वो मुझे किसी चैनल में दिखा नहीं। यानी ऐसा लगा जैसे कि लोग डर रहे हैं, सरकार से, प्रशासन से डर रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। तो विनेश फोगाट की जो कहानी है वो शुरुआत होती है आंदोलन से। ये लोग आपका दिल्ली में अपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष था संसद साहब, उसके ऊपर छेड़खानी का, गलत टच, बॉडी टच, ये सब मैटर पे ये लोग आंदोलन में बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। इस दौरान जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो माहौल ऐसे बना, याद होगा आप लोग को, 7-8 दिन में, बहुत दिन से चल रहा था लेकिन 7-8 दिन में अच्छा तूल पकड़ लिया था। और तूल पकड़ा तो इसमें एक घटना घटा कि महिलाओं के दर्द को पीटी उषा समझ नहीं पा रही है। इतने दिन के आंदोलन में सभी आके मिल लिए लेकिन पीटी उषा आके नहीं मिली। तो पीटी उषा जो है मिलने गई थी और जाने के बाद उन्होंने इन बच्चियों से, जो कि आपका साक्षी मलिक है, आपका तुम्हारा बबीता फोगाट, गीता फोगाट जो बैठे थे सभी लोग, इन लोगों को उन्होंने क्या बोला कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ये संवैधानिक नहीं है, ये गलत तरीके से है। अगर यदि कुलभूषण जी पे, अगर यदि ब्रिजमोहन पे, अगर यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप संघ में आके बात कीजिए, आप आंदोलन ना करें, ऐसा टाइप का बीजेपी का तलवे चाटते हुए एजेंट का काम कर दिए। तो वहाँ ये लड़कियाँ उनको गाली गलौज जो भी किए होंगे या डांट दिए होंगे, स्टार है तो उसमें आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, वो रोते हुए वहाँ से निकली थी पीटी उषा। अब जब रोते हुए वहाँ से निकली, अपने बच्चियों का दर्द को नहीं समझ पाई, बीजेपी का एजेंट का काम की वो, तो आप ही सोचिएगा पीटी उषा क्या इन बच्चियों से खुश होगी। पूरा वायरल हो गया भारत में कि पीटी उषा का सपोर्ट नहीं मिला लड़कियों को, और लड़कियों के दर्द को लड़की नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। एक घटना हो गया। दूसरा, जब इनका आंदोलन बढ़ने लगा इसी दौरान, तो हम अपने क्लास में बोले थे, ये बच्चे लोग गवाह इसका कि देखना अब ये अन्ना हजारे वाला रूप ले रहा है इनका आंदोलन, देखना कोई ना कोई अमित शाह नरेंद्र मोदी वारदात कराएगा। ऐसा मैं बोल ही रहा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा में जाके टकरा गया। ये इतना ज़बरदस्त स्ट्रोक है ये यहाँ पे कि अमित शाह का दिमाग देखो, अन्ना हजारे जैसा माहौल ना बने करके कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई, और आज तक नहीं पता है कि लूप लाइन में वो कैसे गया। और सारा मीडिया जो इन बच्चियों को दिखा रहे थे, वो मीडिया कहाँ दौड़ गए, उड़ीसा चले गया, सब लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस में चले गए, 250 लोग अलग मरे, एक हफ्ता तक वहाँ कवरेज चला और इन बच्चियों को कोई देखने वाला नहीं मिला। अंततः इनका आंदोलन, फिर ये लोग अपना पदक लौटाने लगे, फिर कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, अंत में इनका आंदोलन बंद हो गई। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीटी उषा खुश। अब इसके बाद पेरिस ओलंपिक होने वाला है। अब पेरिस ओलंपिक में पूर्व पेरिस ओलंपिक खिलाड़ी को तुम कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे आप, तो ये लोग उसको काट नहीं पाए। अब अंततः पेरिस ओलंपिक खेलने चले गई आपका विनेश फोगाट। तो जैसे ये गई होगी ना, तो ये पहले ही भारत ने प्लान बन गया होगा कि इसको कहीं ना कहीं हरा दिया जाए, कहीं ना कहीं फंसा दिया जाए कोई भी मामले में, या जज को खरीदा जाए, लेकिन विनेश फोगाट को किसी भी परिस्थिति में आपका पुरस्कार मिलना नहीं चाहिए, ये प्लानिंग हुआ होगा। लेकिन विनेश फोगाट तो खिलाड़ी है तो चलते रहा। अब सबसे समस्या उस दिन क्रिएट हो गया कि वर्ल्ड चैम्पियन, जो पिछला स्वर्ण पदक विजेता है, उसको सेमीफाइनल में आपका विनेश फोगाट हरा दी। तो यहाँ सब लोग ये बोल रहे हैं कि विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। नहीं नहीं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीटी उषा का समस्या ये नहीं है कि आपका स्वर्ण पदक विजेता को हराई विनेश फोगाट, समस्या ये है कि फाइनल में वो वर्ल्ड के 6वां नंबर प्लेयर से खेलेगी। इसको ध्यान से समझिएगा, स्वर्ण पदक विजेता को हराई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी पीटी उषा के लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनल में वो वर्ल्ड के 6वां नंबर प्लेयर से खेलेगी। मतलब विनेश फोगाट का स्वर्ण पदक जीतना तय है, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वर्ल्ड के पहले वाले को तो उसने हरा दी सेमीफाइनल में, तो 6वां प्लेयर से तो हारना पहले से तय है ना। तब रात भर में खेला हुआ कि अब तो ये स्वर्ण पदक जीत जाएगी, और अमित शाह, नरेंद्र मोदी का इतिहास पढ़ लीजिए आप, ये कभी नहीं चाहेगा कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला बच्चा भारत की प्रथम महिला स्वर्ण पदक विजेता बने, क्योंकि आज तक कोई भी महिला ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीते। और अगर यदि ये जीत जाते तो भारत में नरेंद्र मोदी के अपोजिट वाला मैटर आ जाता, इसलिए रात भर में खेला हुआ।
आगे पीछे इधर उधर करके आज पूरे बच्चे लोग मुझे पूछते हैं 100 ग्राम होता क्या है, 100 ग्राम कभी समझ में आता है? बताइए आप, 100 ग्राम ज़्यादा होने पर उसको डिसक्वालीफाई किया गया। अब रही बात ओलंपिक के नियम का, तो ओलंपिक के नियम में आप सुनेंगे, वही बताया ना, भारत के लोग जानकार कितने प्रतिशत, 10-15% है, बाकी तो सब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कहाँ समझ में आएगा। इसी पेरिस ओलंपिक में, 33वां पेरिस ओलंपिक है, अमित शाह बेटा जैसा नहीं पता होगा अभी वो, है ना, ये क्या खेल है, वो तो वो जानते हैं जो लोग कितने दर्द से ओलंपिक तक पहुँचते हैं। ये जो ओलंपिक का नियम है, ये 100 ग्राम वाला, ये नियम पेरिस ओलंपिक का जो 33वां है, इसमें जो 32 बार ओलंपिक हुआ है उसमें कई बार पेरिस में हुआ है। इसी पेरिस में एक लड़के ने कहा था कुश्ती में, रेसलिंग में, कि मुझे अंदर से लड़की वाली फीलिंग आ रही है। इसी पेरिस ओलंपिक की इतिहास खोल के देख लीजिए आप लोग, एक लड़के ने क्या बोला, मुझे अंदर से लड़की वाली फीलिंग आ रही है, तो उसको एक लड़की से कुश्ती करवाया गया, रेसलिंग, इसी पेरिस ओलंपिक में। यह है ओलंपिक का कानून और नियम कि एक लड़का जो है लड़की के साथ कुश्ती खेलता है, कि वो अंदर से बोल रहा है मुझे लड़की वाला फीलिंग आ रहा है। वो ओलंपिक संघ बोलता है आज कि आपका वेट 100 ग्राम ज़्यादा है और उसको बाहर कर देता है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि ये वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि किसी भी स्थिति में विनेश फोगाट स्वर्ण पदक ना जीते, और इसमें किसी का हाथ नहीं है। ए डरते हो तुम लोग, क्यों पढ़े हो सर आप लोग, पढ़े लिखे क्यों पत्रकार लो, इससे अच्छा तो अनपढ़ गंवारों पढ़ा लगाने वाले लोग ठीक है जो गाँव में सच बोलते हैं, तुम पढ़ लिख के क्या उन्नति कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो बीजेपी का, क्या मतलब, सच तो बोलो। ये सिर्फ खेला इन्हीं का है, नहीं तो एक लड़का लड़की फीलिंग आ रहा है करके वो लड़के से कैसे खिला देगा, वो पेरिस ओलंपिक यहाँ हो चुका है। इसके पहले यही बजरंग पुनिया खेला था, 40-50 ग्राम ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादा हो तो उसको बाहर कर दिए, हमको मालूम है इसके बारे में, लेकिन उसमें कहा गया कि इसमें कोच के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अभी पीटी उषा क्या बोलती है आपका, कि इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि तुम खुद ओलंपिक संघ के क्या हो, अध्यक्ष हो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो तुमने कैसे बोल दिया किसी की गलती नहीं है। तो गलती किसी का भी हो, बेचारी का तो लाइफ खराब हो गया ना, इतना डिप्रेशन में आया, कल विदा कह दी उसने। तो सर ये अमित शाह का जो बेटा है ना जैसा, ये भारत के टीम में शतक मारना तो दूर, किसी जिला एसोसिएशन में भी अगर 50 रन बना देगा तो मान जाऊंगा मैं। तो अमित शाह और अमित शाह का बेटा और नरेंद्र मोदी खानदान को ना एहसास नहीं होता दर्द क्या होता है, कैसे ओलंपिक खेलते हैं, क्या मैच होता है इसको नहीं पता, इनको तो बस कुर्सी में बैठ कर नोट गिनना है सर, बेचारी के लाइफ से खेले इन लोग। ऐसे लोगों को तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं, सरपंच चुनाव वोट मत देना, ये सच्चाई है। एक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ा वहाँ पेरिस में, सब गए हैं, किसी को चूं करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आदेश ऊपर से आया है कि किसी भी स्थिति में विनेश फोगाट को पदक ना मिले। अगर लगता है मेरा विश्लेषण अगर आपको सही लगता है तो इसको ना जनता तक पहुँचाओ, सपोर्ट चाहिए। एक कहावत है, ग्रंथ में लिखा है, जनता जिसके साथ खड़ी होती है ना वो पावरफुल हो जाता है। किसी दिन आ जाएंगे ना समय में तो बता देंगे क्या चीज़ होता है। बहुत अति मचा रहे हैं सर, बहुत अन्याय है, सरासर अन्याय। पीछे और दो लोग का फोटो दिख रहा होगा आप लोग को, दलाई लामा महानात्मा और एक है शेख हसीना वाजिद। बहुत कम लोग को पता है इसके बारे में। 1962 में नेफा पे आक्रमण किया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, कौन, चाइना। तो चाइना जब आक्रमण किया था ना सर, तो तिब्बत का नेता हुआ करता था दलाई लामा, धर्मगुरु है बौद्धिस्ट। ये भारत आ गया नेहरू के जमाने में, शरण ले लिए और नेहरू ने शरण दिया, परिणाम क्या हुआ, चाइना हमारे साथ दुश्मनी मोल ले लिया। भारत के बाद आज़ाद हुआ है चाइना, 100 साल आगे है इंडिया से। और यहाँ जब न्यूज में सुनोगे ना कि गहलोत घाटी में इतना इंच पीछे खदेड़ा चाइना को, बड़ा दुख लगता है। चाइना एक बार छपाएगा ना, भारत कहाँ जाकर पता नहीं चलेगा। सच दिखाओ सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चाइना वाले मुझे पाकिस्तान वाले पैसा दिए तब बोल रहा हूँ, अपनी खामियाँ नहीं देखेंगे सुधारेंगे कैसे। चाइना 100 साल आगे है, एक ठो रोड के बराबर नहीं है भारत। अब ये मत बोल लेना मैं पाकिस्तानी सपोर्ट करता हूँ, सच है ये। आज अगर यदि हमारा चाइना से दोस्ती होता तो ना जाने कितने रोजगार के अवसर निकलते। डौकी मेरा, बच्चा मेरा, खिलौना चाइना का है, इससे ज़्यादा और समझाने की ज़रूरत नहीं। एक टेक्नोलॉजी हमको नहीं देता चाइना, वस्तु देता है बस। तो हमारा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला पड़ोसी देश के साथ हम दुश्मनी मोल लेके बैठे, ये है दलाई लामा का दुश्मनी का मोल। क्यों रखना सर दूसरे देश के चोरों को। इसके बाद भी भारत नहीं सुधरा,
अभी 15 दिन से छुपा के बैठा है, किसको? शेख हसीना वाजी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और इसके पूर्वज लोग क्या बोले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि हम भारत में नहीं रह सकते, वो हिंदू देश है, तो पाकिस्तान में जा। अब पाकिस्तान से नहीं पड़ रहा, अफगानिस्तान जा, कजाकिस्तान जा, किर्गिस्तान जा, मुस्लिम कंट्रीज में जाओ ना भाई, इधर आने का क्या, ये तो हिंदू देश है ना, यहाँ तो हज़ारों आपको मिलेंगे सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरब, ईरान, दुबई जाओ, है बेबी दुबई करो, भारत का शरण क्यों ले रहे हो सर आप? इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ शेख हसीना वाजिद या दलाई लामा लोग नहीं, इससे बड़े चोर हमारे देश के नेता लोग जो इनको सपोर्ट करके रखे हैं। आज 75 से 80% बांग्लादेशी लोग विरोध कर रहे हैं इसका, अब क्या होगा? शेख हसीना वाजिद को भारत में पनाह दे दिए, 75% आबादी वहाँ इसको ढूंढ रहे हैं शेख हसीना वाजिद को, अब तनाव कहाँ बढ़ेगा? असम के बॉर्डर में, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में, तो असम तरफ तो विश्वास आवे बीजेपी का, वो मामला नहीं उछलेगा। ममता बनर्जी बॉर्डर में अगर होगा तो ममता बनर्जी बेकार, इतने लोग को मरवा दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर चलाएंगे आप लोग। शेख हसीना वाजिद को क्या मतलब यहाँ घुसाने से? ब्रिटेन सरकार ने साफ मना कर दिया कि आपका पहले छानबीन होगा तब हमारे देश आना, जबकि ब्रिटेन में उसकी बहन मंत्री है, उसके रिश्तेदार की लड़की जो है आपका सांसद है, मंत्री लोग लंदन नहीं बुला पा रहे हैं शेख हसीना वाजिद को, और हम लोग उसको घर में घुसा के बैठे। गजब कानून है सर, एक नंबर, बड़ा शानदार चल रहा है। और बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते हो, जिन देशों से रोजगार आ सकता है भारत, उनसे तो तुम दुश्मनी मोल लेके बैठे हो। इन लोगों को रखने की ही क्या जरूरत है जी? विजय माल्या को तो ला नहीं पाए, इन लोगों को घुसाने की क्या जरूरत है? चोर लोगों को हम लोग बोलते हैं तो आप लोग सिर्फ एजुकेशन दो जी, आप लोग राजनीतिक में मत बोलो करके, तो हम लोग नहीं बोले, क्या मतलब तुम लोग बोल रहे थे तो हम लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।